पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री राम कथा मंचन समिति लाजपत नगर मुरादाबाद द्वारा आयोजित रामलीला मैदान लाजपत नगर के भव्य रंगमंच पर वृंदावन से पधारे स्वामी घनश्याम भारद्वाज के कुशल निर्देशन में श्री ब्रजलोक लीला संस्थान के कलाकारों द्वारा लीला का सजीव और सुंदर मंचन किया गया। माता सीता की खबर लेकर हनुमान श्री राम के पास आते हैं और वो सारा समाचार भगवान राम को बताते हैं। माता सीता की दी गई अंगूठी राम को देते हैं और कहते हैं कि मेरे प्रभु राम मुझे लेने कब आएंगे। उधर लंका में दरबार लगा है, रावण अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहा है। रावण का भाई विभीषण उन्हें सलाह देता है कि वो राम से युद्ध ना करें और माता सीता को वापस कर उनसे संधि करें, लेकिन रावण के गले ये बात नहीं उतरती है और वो अपने भाई विभीषण को लात मारकर निकाल देता है। विभीषण अपने कुछ मित्रों के साथ लंका छोड़कर राम की शरण में चले जाते हैं। वो राम से मित्रता कर लेते हैं और राम उन्हें लंका का राजा भी घोषित कर देते हैं। समुद्र से प्रार्थना कर रास्ता लेने के लिए भगवान श्री राम उनसे प्रार्थना करते हैं। समुद्र उनकी बात नहीं मानता तो वो क्रोध भरकर धनुष माल लेकर समुद्र को सुखाने का प्रण करते हैं। तभी समुद्र देवता प्रकट होकर उनसे कहते हैं कि आपकी सेना में नल नील नाम के दो वानर हैं, अगर जल में पत्थर डालेंगे तो वो तैरते रहेंगे। और नल नील ने समुद्र में पत्थर डालने आरम्भ किए और सेतु का निर्माण कर डाला। युद्ध में रावण का पुत्र मेघनाथ आता है। राम लक्ष्मण मेघनाथ ने भयंकर युद्ध होता है। मेघनाथ लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार करता है और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। हनुमान लक्ष्मण को उठाकर राम के पास लाते हैं। लक्ष्मण की यह दशा देखकर राम दुखी होते हैं और लंका से वैद्यराज को बुलाते हैं। वैद्यराज कहते हैं कि इनको केवल संजीवनी बूटी ही बचा सकती है, अगर वो कल सुबह सूरज निकलने से पहले आ जाए। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने चल पड़ते हैं। आज की लीला को देखने के लिए हजारों की संख्या में राम भक्त उपस्थित रहे। 250 फुट ऊपर से हनुमान जी की उड़ान का सभी ने आनंद लिया। ऊपर से हनुमान उत्साह है। रोज हमारे यहाँ रामलीला शुरू हुए 10 दिन हो गए तो रेगुलर रोज भीड़ बढ़ रही है। आज क्योंकि मुख्य आकर्षण होता है तो आज भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन आज इतनी भीड़ तो रहती ही है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि हनुमान जी वहाँ से जो है हवा में उड़ते हुए आते हैं, कितनी दूरी रहती है और किस तरह का प्रिकॉशन इसमें लिया है? 200 मीटर की दूरी होती है। प्रिकॉशन कैसे लिया है? प्रिकॉशन भाई पूरे भाई जो जिस रस्ते से आते हैं आपके जो कलाकार होते हैं, ये लोग भी कलाकार होते हैं जो लोग ऐसा कर। आज मुख्य आकर्षण हनुमान जी का 200 मीटर दूर से बहुत हाइट से नीचे आना मुख्य आकर्षण था। क्या विशेष रहता है, किस तरह से हनुमान जी के नीचे उतरने की प्रिपरेशन रहती है यहाँ पर? प्रिपरेशन हमको कई दिन से पहले करनी शुरू होती है, क्योंकि इस छत से आते हैं हनुमान जी, वो एक मुस्लिम परिवार है, उनसे अब कहा जाता है, उसके बाद वो अपनी बात रखते हैं और उतरवा देते हैं। अच्छा, हर साल इस तरह का जो मंचन होता है आसपास में कहीं होता है? आसपास में नहीं होता। कैसा रोमांच रहता है यहाँ दर्शकों की? जैसे आज कम से कम 5-10 हज़ार की भीड़ यहाँ पर आज एकत्रित थी। दूर दराज से भी लोग आते हैं? दूर दराज से, आस पास के गाँव से काफ़ी लोग यहाँ आते हैं।